मेंटोर एके सिंह, और आज हम आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड टू की जो कहीं ना कहीं हम मॉक टेस्ट की सीरीज़ देख रहे हैं। और मॉक टेस्ट की सीरीज़ में आज क्या है, संडे, और संडे के दिन क्या देख रहे हैं हम, संडे के दिन कहीं ना कहीं अपने सारे के सारे मंडे से लेकर सैटरडे तक जितने मॉक टेस्ट हुए उनको कहीं ना कहीं रिवाइज फॉर्म में तैयारी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं समय व्यर्थ न करते हुए, जिससे आपकी वीडियो भी कंप्लीट हो जाए और कहीं ना कहीं आपकी जल्दी जल्दी तैयारी भी हो जाए। तो सबसे पहले लेके आते हैं हम घड़ी को, तो आ गई है आपकी घड़ी। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है आपको चैनल को सब्सक्राइब, यानी कि यूट्यूब चैनल को क्या करना है, यूट्यूब चैनल को करना है सब्सक्राइब। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जितने भी सारे के सारे PDF हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेंगे। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको प्लेलिस्ट में सारी सारी वीडियो मिलते जाए। तो आज है 7वें नंबर का, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, आज 7वें नंबर से लेकर जो आपके 11 तक कराए गए हैं सारे के सारे मॉक टेस्ट रिवाइज करेंगे। तो 7वें नंबर का, सबसे पहले 7वें नंबर का देखते हैं। तो क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन रखा गया है ISSN स्टैंड फॉर, यानी ISSN स्टैंड फॉर, बताइए क्या है ISSN स्टैंड फॉर, यानी ISSN का आपका पूरा नाम क्या है, ISSN का स्टैंड फॉर आपका क्या है। तो ये है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर और ISBN आपको पता होगा। ISBN क्या था, पहले 10 का था, फिर आपका 13 का हो गया, फिर आपका हो जाता एक होता है, यानी कि आपका एक होता है 8 नंबर का, और 8 नंबर का क्या है आपको पता ही है क्या है, किसकी बात कर रहे हैं हम। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो आपको आउटपुट डिवाइस बताना है। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं जो इंटरनल चीज़ को, कंप्यूटर की इंटरनल चीज़ को बाहर निकालने का काम करता है। तो एक तरह से आपका क्या होगा भाई, कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो गया आउटपुट डिवाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किस के बिना कार्य नहीं करता, तो कंप्यूटर हार्डवेयर किसके बिना काम नहीं करता, यानी कि आपके शरीर में की जो बॉडी है, आपकी बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी है और आपके शरीर में कहीं ना कहीं आपकी सोल ना हो तो क्या आपका काम कर पाएगी, तो नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब तक आपका सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तब तक आपके हार्डवेयर नहीं चलेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन बनकर ही आपका कंप्यूटर बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर इज रिलेटेड टू AI, यानी कि आपका AI कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, यानी कि कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी होती है। तो आपको पता ही है भाई, AI कहाँ आ रहा है, AI कब आ रहा है, AI आपका प्रेजेंट में आ रहा है, तो प्रेजेंट में कौन सी होती है, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर रैपिड में चल रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आप पुस्तकालय इंटरनेट सेवा के WWW से क्या समझते हैं, तो WWW से क्या समझते हैं आपको बताना है, यानी WWW से क्या समझते हैं, WWW आपका मतलब वो WWW नहीं, WWF वाला WWW नहीं, तो ये क्या है हमारा WWF की जगह हमें पढ़ना है WWW, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा पहला। चलिए आगे चलते हैं, और जो भी स्टूडेंट UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट के क्या है फॉर्म भर चुके होंगे, 10 तारीख लास्ट डेट है, तो जल्दी जल्दी फॉर्म भरिए और लाइब्रेरी से तैयारी के लिए हमसे जुड़ जाइए। लाइब्रेरी क्या करेंगे, उसमें भी रैपिड एक तरह से करेंगे हम, जल्दी जल्दी तैयारी करेंगे। और क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर लेने हैं, जिन बच्चों को प्रीवियस ईयर चाहिए वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ले सकता है। और राजस्थान के आपको मात्र 30 रुपये में दिए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो आपके UGC नेट के हैं वो आपको 100 रुपये में दिया जा रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, तो जाकर वहाँ से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, विनसिम सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया है, तो यानी कि आपका जो लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है वो किसने विकसित किया है, तो बताइए जल्दी किसने विकसित किया है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करा चुका है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, जो डेवलपमेंट के काम है वो कौन करता है, डेवलपमेंट के काम आपका करता है यूनेस्को। इस चीज़ का ध्यान रखना, कहीं भी आपका डेवलपमेंट का सबसे ज़्यादा काम आएगा तो यूनेस्को करेगा, तो आपको इसका पता होना चाहिए, आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, ये आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सोल से तात्पर्य क्या है, बताइए सोल क्या है, बताइए सोल क्या है, सोल आपका क्या है, लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है, और लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर के हिसाब से आपका कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सॉफ्टवेयर ऑफ लाइब्रेरी, यानी कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से किस में अधिकतम मेमोरी स्टोरेज की क्षमता है, यानी कि हाईएस्ट मेमोरी बतानी है, तो हाईएस्ट मेमोरी आपको पता ही है आपको क्या है। आजकल आप क्या कहते हो, 2 TB का कंप्यूटर दे दो मुझे,
एक टीबी का कंप्यूटर दे दो, 512 क्या है, 512 GB का कंप्यूटर दे दो, 512 GB कहते ही नहीं, एक टीबी का कंप्यूटर दे दो, ठीक है। तो पहले क्या कहते थे, जब हमारे टाइम पे कहीं ना कहीं हमने, मैंने 160 GB, ठीक है, 1 GB 160 GB का भी कंप्यूटर यूज़ करा है, ठीक है। और आज मेरे पास 16 GB प्लस 2 TB प्लस 512 का PC है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा होगा कहीं ना कहीं आपका TB। और इसमें कहीं ना कहीं मैच करने का, यानी कि एक तरह से क्रम से भी आता है, तो TB से छोटा कौन सा GB, GB से छोटा कौन सा है MB, MB से छोटा कौन सा KB, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी आपका RFID टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन लाइब्रेरी। तो आपको बताना RFID किसके लिए यूज़ होती है, RFID बताइए किसके लिए यूज़ होती है भाई। RFID होती है आपके सर्कुलेशन के लिए, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सर्कुलेशन, ठीक है, परिसंचलन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यानी इस सातवें उसका लास्ट क्वेश्चन है, ईमेल यूज़र यानी कि ईमेल का यूज़र जो है और कहीं ना कहीं आपका यूज़ नेट है, आपका विन सर्विस है, ये किससे संबंधित है। तो आपको बताने किससे संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है। चलिए ये किससे संबंधित है आपकी भाई, जो ये सर्विस हैं ये किससे संबंधित होती हैं आपकी, जो इस तरह की सर्विस है आपकी आ जाती हैं, तो ये किससे संबंधित होती है, सोच के देखिए। देखो जब आपको सर्विसेज की बात आए भाई, ये किससे संबंधित है, आपके इंटरनेट सर्विस से संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखते हैं, आठवां। चलिए तो आठवां यानी मॉक टेस्ट नंबर 8 देखते हैं। मॉक टेस्ट नंबर 8 का यानी कि पहला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर का पहला क्वेश्चन। समय व्यर्थ करते हैं, चलिए अपने चैनल चलते हैं भाई। सिस्टमेटिक यानी कि चयनित मापदंड के आधार पर पुस्तकालय में पुस्तकों की व्यवस्थित निष्कासन क्या कहा जाता है भाई। आपका क्या है, आपको क्या करना है, रिमूव करनी है किताब, क्या वर्ड लिखा गया, रिमूव करनी है। और रिमूव का मतलब क्या बताया था मैंने, रिमूव आपका विड्रॉल करने की बात बताई थी। विड्रॉल क्या होता है, वीडिंग, तो यानी कि विड आउट की बात हो रही है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा विड आउट, यानी कि रिमूव हो गया, विड्रॉल हो गया, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, विड्रॉल मतलब आपका विड आउट की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पुस्तकालय संदर्भ में पोस्ट कोर किससे संबंधित है। तो पोस्ट कोर किससे संबंधित है, और पोस्ट कोर की आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, बताइए कि पोस्ट कोर किससे संबंधित है। क्या पढ़ रहे हैं हम अभी, क्या पढ़ रहे हैं थ्योरी सेक्शन में, अभी क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो इसके किससे आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो ये हो जाएगा आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक निश्चित अवधि हेतु पुस्तकालय के अनुमानित आय और व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है भाई। आपका बताओ जो लेखा जोखा होगा ये क्या कहलाएगा, फीस थोड़ी कहलाएगी, यानी कि लाइब्रेरी डाउनमेंट फंड थोड़ी कहलाएगा, तो ये कहलाता है आपका बजट, यानी कि आपका क्या है, आप क्या करते हो, अपने घर का लेखा जोखा रखते हो, आय और व्यय का, तो क्या होता है, वो क्या होता है, एक तरह का बजट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बजट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है, मात्रात्मक जानकारी जिसमें संग्रह विश्लेषण डेटा संख्या द्वारा प्रस्तुत का समावेशन होता है, तो ऐसे अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बताइए क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं, कैटलॉग कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं, आपका स्टैटिक्स कहते हैं, यानी सांख्यिकी, वर्गीकरण, सूचीकरण और प्रलेखन। तो आपका क्या कहेगा भाई, आप ये बताओ आप क्या कर रहे हो, PhD कर रहे हो, तो PhD में या फिर एक तरह से सारी चीज़ें किस में आ रही है, मैथ्स में सारी चीज़ें नहीं आती, स्टैटिक्स में सारी चीज़ें आती, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्टैटिक्स, ठीक है। आपका डाटा भी एनालिसिस होता है उसमें, जो कोई ना कहीं आपने MPhil करी होगी, जिसने PhD करी होगी, तो आपकी क्या करती है, डिसर्टेशन और आपकी थेसिस बनती है। थेसिस में कहीं ना कहीं आप 5 चैप्टर पढ़ते हो भाई, एक सेकंड चैप्टर को छोड़ के, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर को छोड़ के, कहीं ना कहीं पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन है, दूसरा चैप्टर रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, तीसरे चैप्टर में आपके सारे न्यायाधीश पे आदेश आ जाते हैं, चौथे और पाँचवें में कहीं ना कहीं आप जब वो सारी चीज़ें डालोगे, कहीं ना कहीं रिजल्ट की बात आएगी आपका, फिर पाँचवे चैप्टर में निष्कर्ष की बात आएगी, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहेगा, निम्नलिखित में कौन सा पुस्तकालय समिति का हिस्सा नहीं है। तो भैया पुस्तकालय समिति का हिस्सा कौन सा नहीं है, सारे के सारे पुस्तकालय समिति के हिस्से हैं या नहीं है भाई। टीचर कौन होता है, टीचर भी पुस्तकालय समिति का हिस्सा, क्यों,
टीचर नहीं आएगा आपकी लाइब्रेरी में, स्कूल लाइब्रेरी में, तो आप क्या करोगे, क्या काम करोगे? लाइब्रेरी हिस्सा है, फाइनेंस भाई फाइनेंस ऑफिसर नहीं होगा तो क्या करोगे? वेंडर नहीं है इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा वेंडर, ठीक है, वेंडर हिस्सा नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, CDP क्या है, CDP से तात्पर्य क्या है, तो आपको पता होना चाहिए CDP क्या कह तात्पर्य है। तो CDP वो CDP नहीं है जो साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं, यानी कि BA MED में जो कहीं ना कहीं CDP है, या आपका कहीं ना कहीं चाइल्ड डेवलपमेंट वाला CDP नहीं होता, तो ये क्या होता है, ये आपका कौन सा CDP होता है बताइए, ये होता है कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉलिसी होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, SR रंगनाथन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष कब बने, तो बताइए अध्यक्ष कब बने भाई, आपका क्या आया, यानी कि आज़ादी कब मिली, आज़ादी के बाद ही अध्यक्ष बने हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि दो ऑप्शन कट जाएंगे, 60 और 61 वाले, अब 60 और 61 कटा, तो 60 और 61 कटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 57, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये ट्रिक ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं आपको काम आएगी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ पुस्तकालय को उनके मौलिक रूप स्वरूप में ठीक से कैसे बनाया रखा जा सकता है, तो बताइए कैसे रखा जाएगा। आपको मैंने गिफ्ट दिया, ठीक है, आपको क्या करना है, वो जिंदगी भर उठा के रखना है, या फिर आपको किसी ने ऐसे व्यक्ति ने गिफ्ट दिया जो आपको करते हैं सुरक्षित रखना चाहते हो, आपकी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट दिया, आपके बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट दिया, आप उसे संभाल के रखना चाहते हो, तो उसे क्या करोगे, संभाल के रखोगे, तो उसे क्या करोगे, संरक्षित करोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा संरक्षित करना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संरक्षित करना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, किसी कर्मचारी द्वारा आवंटित कार्य को समय पर अच्छी तरह से पूर्ण करने पर कैसी अनुभूति होती है, उसे क्या होता है भाई, आप क्या करते हो, जब आपको मैंने एक अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको, जॉब डिस्क्रिप्शन, सेटिस्फेक्शन एनालिसिस और इवेल्यूशन, तो क्या बताया था आपको भाई, आपको क्या होगा, सेटिस्फेक्शन होगा, यानी कि कार्य की संतुष्टि होगी, सेटिस्फेक्शन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा संतुष्टि, कार्य संतुष्टि। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, IC का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर किस पीढ़ी में आया था भाई, IC का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर किस पीढ़ी में आया था, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, IC वाला कौन सा है भाई, IC का पहले क्या आया, एक ट्रांजिस्टर से आया, एक क्या पूरा घर का कंप्यूटर था, फिर उसे छोटा छोटा करा गया, फिर उसे छोटा किया गया, फिर उसे छोटा किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आज क्या है, फाइनल 5वीं जनरेशन कौन सी, AI की, इससे पहले क्या आएगा, आपका प्रोसेसर आएगा, फिर आपका क्या आएगा, IC आ जाएगा, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इसके आंसर क्या दिए गए हैं, यहाँ दिए गए, तो ये हो गया हमारा 8वां भी हो गया, तो चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए तो शुरू करते हैं, यानी कि आपका 9वें नंबर का जो आपका मॉक टेस्ट है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखो मॉक टेस्ट का जितने भी स्टूडेंट कर रहे हैं और जितने भी आज संडे क्लासेस कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, यानी कि क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और यूट्यूब चैनल को जो है आपका ज्वाइन कर लेना है, यानी कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, जिससे क्या हो, आपको सारे की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी मिल जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्या नाम, पहला क्वेश्चन, व्यापार ग्रंथ सूची यानी कि ट्रेड बिब्लियोग्राफी क्या है, यानी कि व्हाट इज़ अ ट्रेड बिब्लियोग्राफी, बताना है आपको ट्रेड बिब्लियोग्राफी क्या है भाई, ट्रेड की बिब्लियोग्राफी हो रही है तो ट्रेड की बिब्लियोग्राफी, ये थोड़ी कि आप ट्रेड बिब्लियोग्राफी डाल दोगे, इसका आंसर ये मत डाल देना, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यही होती है, यहाँ पर इंग्लिश में देखते हैं, यहाँ पर लिखा है ट्रेड, यहाँ पर रखा जाता है ट्रेड, और मार देते हैं आंसर, कभी भी छोटे आंसर को पकड़ना मत इस तरह की चीज़ों में, सबसे पहली बात करती है बड़े आंसर को पकड़, और यही आपका आंसर है, ट्रेड बिब्लियोग्राफी क्या होती है, एक तरह से कंट्री की सेलर और उसके कहना पब्लिशर की बात होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुस्तकालय या मुद्रित सामग्री की सूचना जो प्रकाशन या पुस्तक के विक्रेता के पास देश के विक्रय हेतु उपलब्ध होती है, वो होती है ट्रेड बिब्लियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पुस्तकालय कर्मचारियों का वेतन किसका भाग है, तो बताइए वेतन किसका भाग है, आपको जो यहाँ कहीं ना कहीं सैलरी मिल रही है, वेतन मिलता है, वो किसका भाग हो जाता है लाइब्रेरी में, बताइए भाई, लाइब्रेरी में जो वेतन मिल रहा है तो उसका कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए आपके पास से क्या है, पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो क्या होगा, नॉन प्लानिंग बजट हो जाएगा वो, ठीक है, प्लान नहीं करा जाएगा। अब नॉन प्लानिंग बजट क्यों आता है, नॉन प्लानिंग बजट इसलिए आता है भाई, यानी कि आज 12 हैं, अगले साल क्या होगा, 14 हो गए, तो वो क्या होगा, अनप्लान्ड है, तो यानी कि इसलिए कहीं ना कहीं नॉन प्लानिंग बजट के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर के अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्यांकन सर्वोत्तम पुस्तकालय प्रदान पुस्तकालय चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें कहीं ना कहीं बच्चे क्या लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, ऐसी बात तो रंगनाथन जी करते थे,
भैया ऐसी बात रंगनाथन जी नहीं करते थे, हमारे DV साहब भी करते थे। तो यानी कि इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपके जो रंगनाथन जी और DV जी हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते थे, वो एजुकेशन को जोड़ने के लिए काम करते थे, इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह, राष्ट्रीय पुस्तकालय न्यास भारतीय सॉरी राष्ट्रीय पुस्तकालय न्यास भारत के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है भाई सीधे सीधे कटेंगे कौन से, साइंस कट गया, आयुष कट गया, फाइनेंस कट गया, तो बचा कौन सा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इस तरह से आपको काटने भी आनी चाहिए यार, सबसे आसान क्वेश्चन है इस तरह के ही। भाई आयुष किसका होता है, मेडिकल का होता है, फाइनेंस में कौन सा आ जाता है, फाइनेंस का आपका चला जाता है, आपका मेडिकल का यानी कि एक तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितने भी रिसर्च होंगे, आपका बचा कौन सा यानी बुक किस में आएंगे, आपकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स का आपका क्या है टैग लगा पड़ा है बुक के साथ। फिर आता है सेल्फ सूची, यानी सेल्फ सूची क्या होती है, सेल्फ सूची का मुख्य रूप से उपयोग होता है, तो बताइए सेल्फ सूची का कैसे लिए होता है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, लाइब्रेरी में किताब आई, लाइब्रेरी में किताब को छाट रहे हो, लाइब्रेरी में किताब की जांच कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जब लाइब्रेरी की किताब इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी तो क्या करते हो स्टॉक, यानी कि स्टॉक वेरिफिकेशन में करते हैं हम सेल्फ कहीं ना कहीं सेल्फ लिस्ट। एक आदमी क्या करे लिस्ट लेके, जैसे कि आपका कहते हो आपका सामान आया घर पर, तो क्या करते हो बहुत सारी लंबी लिस्ट है, यानी कि लिस्ट देखते हो, अच्छा ये सामान आ गया, 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 ये सामान नहीं आया, ये सामान आ गया, ये सामान आ गया, तो सेल्फ लिस्ट करते हो ना, वही आपका क्या है एक तरह से आपकी वेरिफिकेशन है। तो क्या है, और जो UGC नेट वाले स्टूडेंट है अपना प्रीवियस ईयर ले ले और अच्छी तरह तैयारी करना शुरू करे लाइब्रेरी साइंस की, जिससे क्या हो उनका नेट अच्छे से पास हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ऐसी पुस्तक यानी कि ऐसी पुस्तक जो महंगी है दुर्लभ हो उनके लिए किस प्रकार की जिल्द, यानी कि उसके लिए कौन सी बाइंडिंग होती है यूज़, बताइए कौन सी बाइंडिंग यूज़ होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका फुल लेदर बाइंडिंग, इस चीज़ का ध्यान रखना, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, प्रकाशकों द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जाने वाली प्रकाशन सूची पुस्तकालय में किसका कार्य हेतु उपयोग है, यानी कि कैटलॉग पब्लिशन बाय पब्लिशन टाइम टू टाइम सेट आर यूज्ड इन लाइब्रेरी फॉर द विच पर्पस, तो बताना है आपको किसके लिए यूज़ होती है, बताइए। तो यानी कि 7 का आंसर क्या होगा, भाई आपका बुक सेलेक्शन के लिए यूज़ होती है, और किसके लिए होगी बुक, भाई लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कैटलॉग ये सारे के सारे स्टैटिक्स होगा नहीं, कैटलॉग होगा नहीं, सर्टिफिकेट यानी कि आपका बच्चा कौन सा चैन यानी कि पुस्तक होगा चैन, ऑप्शन नंबर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पुस्तकालय में पुस्तकालय शुल्क दान और आपके अक्षय निधि जुर्माना राशि और राजकीय अनुदान से प्राप्त राशि स्रोत किसके से संबंधित होता है, तो आपका जितने भी सारी चीज़ें हैं सॉरी तो ये किससे संबंधित होती है, भाई आपका सारा का सारा ऊपर फर्नीचर कम्युनिकेशन तो सारे कटेंगे, बचा कौन सा कोष से संबंधित होती है सारी की सारी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि फंड से संबंधित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, किसने प्रबंधन के सिद्धांत का वर्णन किया है, भाई प्रबंधन यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल आपको मैंने बताया था, भाई आपके कौन से हैं, फ्योल जी हैं यानी कि आपके हेनरी फ्योल, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो 10 सेकंड का समय चल रहा है, 10 सेकंड का समय ये मतलब नहीं है कि आपको 10 सेकंड का समय से आपको आंसर देना है, भाई आपको ये क्वेश्चन दोबारा कराया जा रहा है, दोबारा क्या 3 बार हो गए होंगे, क्योंकि आपको PDF क्यों दिया जा रहा है, PDF क्या है, वीडियो देखो, वीडियो के बाद आपका PDF करो, और PDF के बाद जब संडे की क्लास होती है उसमें कहीं ना कहीं आपका क्या है जल्दी जल्दी रैपिड तौर पर आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पुस्तकालय हेतु पुस्तक खरीदने के निम्न प्रक्रिया को व्यवस्थित करिए, और भाई आप क्या करते हो, आपने कोई से साइट से क्या है सामान मंगाया तो क्या करोगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे अपने सामान को चुनेंगे यानी पुस्तकों का चयन करेंगे। अब पुस्तकों का चयन कर लिया भैया, हमने पुस्तकों का चयन कर लिया तो अब क्या करना है हमें, अब ढूंढो क्या करोगे, तो यानी कि पुस्तकों का चयन करने के बाद आप क्या करते हो उसकी क्या करते हो अपनी कहीं ना कहीं उसकी चीज़ों को परचेज द ऑर्डर, फिर वेरिफिकेशन द बुक एंड पेमेंट प्रोसेस, तो यानी कि ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ठीक है, इसके आंसर क्या है, इसके आंसर दिए गए हैं नीचे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट चलिए तो क्या है यानी कि अब हमारा आ गया है 10वां यानी कि मॉक टेस्ट नंबर 10।
तो मॉक टेस्ट नंबर 10 का क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, डैश पुस्तक के विषय में प्रतीकात्मक अनुवाद है तो आपको बताना है, यानी कि सिंबॉलिक ट्रांसलेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ बुक। तो क्या है इसका आंसर, क्या है बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपका समय शुरू होता है अब, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, बुक नंबर होगा, लोकेशन कोड होगा, यानी कि आपका क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, मैक्सिमम सबको पता होगा भैया, इसका आंसर हो जाएगा यानी कि क्लास नंबर, तो यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। लाइब्रेरी एसोसिएशन और उसके देश के संयोजन की पहचान करें, जो ये है तो क्या है उसकी, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन, तो रॉन्ग कॉम्बिनेशन, तो इसका कहीं ना कहीं आपको पता ही था, इसका आंसर मैंने बताया था भैया रॉन्ग में, यानी कि आपको दोनों चीज़ों में ध्यान रखना है हिंदी और इंग्लिश में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, तो यानी कि रॉन्ग आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सर्वप्रथम अनुक्रम हेतु KWIC यानी कि की ऑफ की वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट इन इंडेक्सिंग, यानी कि आपका की वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो आपको बताना है किसके द्वारा दिया गया है, और ये किसके द्वारा दिया गया है आपका, ये आपको मैंने करवाया था आपका क्या है लुहेना, यानी कि HP लुहेना द्वारा दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि HP कैसे याद कर लेना आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहा है, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान का सार कौन प्रकाशित करता है, यानी कि आपका क्या है इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट किसके द्वारा प्रकाशित होता है, तो भाई साइंस की बात हो रही है तो साइंस आपको किस में हो जाएगा, अब ये बच्चे लगा देंगे यहाँ पर साइंटिफिक, यानी कि साइंटिफिक लगा देंगे, साइंटिफिक थोड़ी होगा, सोच के देखो साइंटिफिक नहीं होगा इसका, भाई स्पेशल बात हो रही है, स्पेशल बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, स्पेशल कौन होता है IAS होता है, यानी कि IAS आपका LIC, तो क्या बताया था IAS बनने के बाद अपने परिवार के लिए क्या बना करवाओगे आप, IAS बनने के बाद आप LIC कराओगे, तो वो वाली कहानी आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ द पेटेंट, यानी कि पेटेंट क्या होता है बताइए, पेटेंट क्या होता है, पेटेंट सबको पता है भैया पेटेंट क्या है, मैंने एक चीज़ बनाई, मैंने मान लो एक टॉफी बनाई, उसका क्या कर रहा है, यानी कि उससे वो इस तरह की टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं वो अलग है, तो कहीं ना कहीं मैं पेटेंट करवाऊंगा, पेटेंट करवाने के बाद कि वो मेरे नाम पे है, मेरे नाम की टेक्नोलॉजी, मैंने इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाई, उसमें क्या नाम इस तरह की चीज़ बनाई, तो उसमें कहीं ना कहीं पेटेंट मेरे नाम पे हो, जैसे कि आपका क्या है कोका कोला वाला पेटेंट नहीं है, तो इस चीज़ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इनोवेशन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, और UGC वाले कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर जरूर ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कह रहा है, आपका रेफ्रोट्रिवन जर्नल क्या है, यानी कि रेफ्रोट्रिवन जर्नल क्या है, तो आपको पता है जो जर्नल की बात कही गई है आपका, आपको पता होना चाहिए किसकी बात कर रहा है भाई, कौन से पीरियोडिक्स की बात कर रहा है, एब्स्ट्रैक्टिंग की, इंडेक्सिंग की, ट्रांसलेटर की, आपका अनुकृतकरण की, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी इसका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्टिंग की, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक तरह से ऑड आउट में है, तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि इस तरह के क्वेश्चन ऑड आउट में रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आने के चांसेस होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, फिर आपका आ जाता है शिक्षा और अनुसंधान, यानी अनुसंधान संस्थान में पुस्तकालयों के स्वचलन पर कन्वेंशन किसके द्वारा आयोजित किया गया है, तो आपको बताना है किसके द्वारा करा जाएगा भाई, डिल नेट आपका हो जाएगा, फिर आर्ग नेट हो जाएगा, फिर आपका कोलकाता लाइब्रेरी नेटवर्क हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर, 7 का क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा आपका यानी कि इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, पहला क्या दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, दूसरा क्या एग्रीकल्चर, फिर तीसरा क्या कोलकाता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क इज़ रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ऑफ विच कंट्री, यानी किससे है भाई, क्या कह रहा है इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है, और आई से क्या हो गया, आई से आपको पता ही है भाई इंग्लैंड थोड़ी होगा आई से, आप ही सोच के देखो ये किसकी बात होती है, ये आपकी हो जाएगी आपका इंडिया की बात हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, और इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क का वो कहाँ है सेंटर कहाँ है, ये भी आपको बता रहा है कमेंट सेक्शन में, इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क का सेंटर कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक भाषा में प्रकाशित पाठ्य सामग्री के दूसरे भाषा में रूपांतरण को क्या कहते हैं भाई, ट्रांसलेशन को क्या कहते हैं, तो बताइए आपका क्या आएगा, यानी कि ट्रांसलेशन को क्या कहेंगे, आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा
आपका बताइए भाई, ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं गूगल, यानी कि मान के चलिए आप ट्रांसलेशन कर रहे हो किसी हिंदी की भाषा को इंग्लिश में कर रहे हो, तो क्या होगा, अनुवाद यानी ट्रांसलेशन होगा, तो इसका अंदर हो जाएगा ट्रांसलेशन, यानी इसी में आंसर छुपा हुआ था तो आपको बता रहा है। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। OCLC का पूरा नाम क्या है, OCLC का पूरा नाम बताइए क्या होगा, वाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OCLC, बताइए OCLC क्या है, यानी कि OCLC क्या है, आपका ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपका आज का नेक्स्ट आपका मॉक टेस्ट। अब आपका कौन सा बचा है, यानी कि 10 के बाद आपका बचा है 11 नंबर, तो चलिए 11 नंबर पे चलते हैं हम अपने। चलिए तो 11 नंबर का देखते हैं, यानी कि हम लास्ट आपका मॉक टेस्ट है 11 नंबर का, इस हफ्ते का लास्ट मॉक टेस्ट था 11 नंबर, और तो मॉक टेस्ट नंबर 11 देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना 11 नंबर का मॉक टेस्ट। इंफॉर्मेशन इज मोर पावरफुल देन फिजिकल टेक्नोलॉजी एंड इट्स फॉर्म टू इनोवेशन लिंक दैट द बिहाइंड ए सोशल, यानी कि इस में, हाँ अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें क्या हो गया था, ऊपर नीचे हो गया था, हिंदी वाले ऊपर नीचे आ गए थे क्वेश्चन और इंग्लिश वाले ऊपर चले गए थे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूचना फिजिकल प्रौद्योगिकी से अधिक शक्तिशाली है, यह एक ऐसा अदृश्य लिंक है जो कि समाज के एक साथ सूत्र को बांधे हुए है, यह कथन किसका है, तो आपको बताना है किसका है कथन। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एक तरह से टफेस्ट लग रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जैसे SSC का क्या है, SSC MTS CHSL का पेपर आसान होगा CGL से, ठीक है, पर सी का आप ये देखोगे MTS और कहीं ना कहीं इनका पेपर हार्ड मिलेगा CGL से, यानी कि आप हायर ले, आपका ये क्या है, ग्रेड थर्ड का पेपर है, RPSC ग्रेड थर्ड का पेपर है ये, ठीक है, इससे क्वेश्चन उठाए गए हैं, और इससे पहले जितने आपने दिए वो ग्रेड टू के पेपर में से उठाए गए हैं, फिर क्या है और कहीं ना कहीं एक लाइब्रेरी का पेपर उसमें से उठाए गए हैं, तो ये ध्यान रखना एक TGT लाइब्रेरी का पेपर है और एक आपका असिस्टेंट यानी कि एक तरह से जूनियर लाइब्रेरी का पेपर, जूनियर लाइब्रेरी वाले क्वेश्चन हार्ड मिलेंगे और क्या है आपको PRT वाले यानी कि जो TGT लाइब्रेरी के वो आपको, इसका तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3 यानी कि विलियम ई हॉल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जितना छोटा पेपर उतना ही आज के टाइम पे हार्ड पेपर मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यानी कि रंगनाथन ने बनारस में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय शैक्षणिक सम्मेलन में एक मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम निम्न में से किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, तो बताइए कि यानी कि मॉडर्न लाइब्रेरी का जो प्रेजेंटेशन था उनका रंगनाथन जी का, इंडियन एजुकेशन काउंसिल हेल्ड इन बनारस, तो बताइए कब हुआ था भाई आपका, जब आपके क्या हुआ CCI उसी आसपास हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी सॉरी ऑप्शन नंबर 1930 यानी कि 2 हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है, चूज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द, यानी कि आपको बताना है राजकीय हरिश्चंद्र सार्वजनिक पुस्तकालय राजकीय सुमिरण सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय और राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय को यह क्या है सही क्रम से लगाना है, तो आपको ये बताना है कि इसका सही क्रम क्या होगा भाई, सही क्रम क्या होगा, सीधे सीधे आप ये मान के चलो कि जब आपको इस तरह की बात आए तो क्या सबसे पहले क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, यानी कि आपका क्या है झालवाड़ा, जलवाड़ा आपका उदयपुर, एक मिनट रुकिए, तो इसका आंसर होगा, हाँ इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, जोधपुर उदयपुर और जयपुर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा कह रहा है, यानी कि देश के किस पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षणिक पुस्तकालय में अपने अनुसंधान करने की वयस्क वैज्ञानिकों के साथ समय को बचाने के लिए प्रोग्राफिक सेवा प्रदान की गई है, तो आपको बताना है तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी वो भाई, ये तो आपको कहीं ना कहीं अभी करवाया गया तो आपको पता होना चाहिए कौन सी पंचवर्षीय योजना है, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा पंचवर्षीय यानी 4th का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4th यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना,
थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ये आपके अब आपको इसलिए हार्ड लग रहे होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये आ गए हैं छोटे क्वेश्चन, छोटे लेवल के क्वेश्चन। किस यानी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किस आयोग ने यह सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालय का लाइब्रेरी के किसी भी मामले में एक प्रोफेसर से कम नहीं होगा। इस प्रोफेसर की तरह रैंक, स्केल और पद तथा सेवाएं आदि दी जाएंगी। तो आपको बताना कौन से में होगा, तो यानी कि कौन सा था, सैडलर था, हंटर था, सीनियर सेकेंडरी था। भाई सीनियर सेकेंडरी तो होगा नहीं क्योंकि प्रोफेसर की बात हो रही है, तो प्रोफेसर की बात कौन करता है, प्रोफेसर की बात करता है आपका UGC। तो इसका आंसर हो जाएगा UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। चलिए आगे चलते हैं। आज जो भी स्टूडेंट UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट के मात्र आपको 100 रुपये में हमारे से लाइब्रेरी साइंस के प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे इंग्लिश और हिंदी में, तो आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है INB क्या है, यानी कि INB स्टैंड फॉर, INB स्टैंड फॉर क्या है, INB का फुल फॉर्म क्या है। तो INB का फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो चलिए आपको बताना है INB का फुल फॉर्म क्या है, यानी INB का फुल फॉर्म बताइए, INB का फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी INB का फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन 1900 में बगीचा पुस्तकालय यानी गार्डनिंग लाइब्रेरी जयपुर वाज इस्टेब्लिश, यानी गार्डनिंग लाइब्रेरी जो जयपुर के निम्न में से किसके द्वारा स्थापित करी गई थी। तो आपको बताना किसके द्वारा स्थापित करी गई थी, और जब जयपुर का क्वेश्चन है यानी आपके राजस्थान का क्वेश्चन है, तो राजस्थान के क्वेश्चन में आपको इस तरह के क्वेश्चन जो अटपट है कि गार्डनिंग आ गया, फिर व्हील लाइब्रेरी होगी, एक चलती फिरती लाइब्रेरी होगी, तो एक इस तरह के क्वेश्चन याद कर लेने हैं कि आपको क्वेश्चन इस तरह के देखने के मिलेंगे। अरे कहाँ का है देख लो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7 राय बहादुर ईशान, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर उस पुस्तकालय का नाम बताइए जो निःशुल्क रूप से पुस्तकों को एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक दस्तक पुस्तक सेवा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है थी, और इस कार्यक्रम को पुस्तकालय के इंतजाम अपने निजी संसाधनों से हासिल करते थे। तो बताइए कौन थे वो आदमी। तो आपको यही पता होना चाहिए, दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, यानी कि वो थे भाई, आपको इस तरह की चीज़ें कौन करवाएगा, या तो कोई ना कहीं आपके चीज़ें होंगी भाई आपके टीचर कर पाएंगे, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा मास्टर जी, यानी कि मास्टर मोतीलाल सिंहवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आपके टीचर ही आपको क्या कर पाएंगे, एजुकेशन की बात कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू यानी कि पुस्तकालय विज्ञान के 5वें सूत्र के अनुसार पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। तो आपको बताना क्या है, क्या है वर्धनशील संस्था है, जीव है, संगठन है। तो आपको बताना क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर क्या है ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाए। तो इसका आंसर क्या है, यानी कि ऑफिशियल आंसर ये में जीव दिया गया है। तो यानी कि आपका क्या लिखते हैं, वर्धनशील संस्था लिखा मिलेगा, वर्धनशील ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, वर्धनशील। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लिखा गया था इसका आपका ऑफिशियल आंसर की में। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी IELA इश्यूज, यानी कि IELA का जो आपका जनरल होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है IELA बुलेटिन, और क्या है उसे नोन एज, यानी कि जनरल ऑफ लाइब्रेरी, यानी कि जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। फ्रिक्वेंटली वो कब, यानी कि कितने महीने में आपको जनरल देता है। तो आपको बताना है भाई, बाई मंथ देता है, क्वार्टरली देता है, मंथली देता है, एनुअली देता है। तो आपको बताना कितने महीने में आता है उसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि क्वार्टरली आता है। ठीक है, तो ये था आज का संडे का स्पेशल, संडे स्पेशल आपके जो मॉक टेस्ट की सीरीज़ थी वो आपको मिल गई होगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सारे के सारे आपके यानी एक बार आपको नॉर्मल मॉक टेस्ट कराया गया, एक बार आपने खुद मॉक टेस्ट का करा PDF से चेक करा होगा, और एक बार आपका क्या है आपका संडे स्पेशल में करा दिया गया। तो 3 बार हमने करा दिया, अब आपको करना है यानी कि सारे क्वेश्चन रट लेने हैं, घोट के पी जाने, मिक्सी में घोट लो, चाहे आपके दिमाग में घोट लो, पर इन क्वेश्चनों को याद करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन याद करके चलने हैं, जिससे हमें कोई भी चीज़ें छूटी हुई ना मिले। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।